फेरी मैं तो उसे समुंदर मानू और माँ जिसमें हो गहराई। अच्छा कि मैं उसे समुंदर मानू हूँ माँ जिसमें हो गहराई। हाँ। बस तू धर्म युधिष्ठिर धर्म युधिष्ठिर धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई री हो करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर से मत कहिए कि करण तुम्हारा भाई। लेकिन क्यों ना कहूं? फिर पाछे पछतावेगी हो तो फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे सर्व ग्रहण सा हो जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट तू तो राजपाट और बहु बेटों से धो बैठेगी हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे के अपने आगे अपने हाथों अपने आगे अपने हाथों ले खड़ी दवाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि करण तुम्हारा हो भाई रे हो करण तुम्हारा भाई। हो 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 भेद को तुमने पहले खोल दिया होता तो मैं करण वो नहीं होने देता जो मेरे छोटे भाइयों के साथ में हुआ। क्या नहीं होने देते करण? ये पहले खुल जा भेद हाँ। अगर ये पहले खुल जा भेद अगर मैं जाल रचाने ना देता अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। जो 13 साल जो 13 साल बनों में कटे वो कष्ट उठाने ना देता। चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के करण बलि की वो भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे करण तुम्हारा भाई।
हुआ तुम्हारे भेद छुपाने के कारण हुआ। अगर तुम भेद नहीं छुपाया होता तो मैं इतनी ताकत रखता था कि अपने छोटे भाइयों के साथ में ये सब कुछ नहीं होने देता। तो अब यही तो कहती हूँ करण, क्या ताकत थी दुर्योधन की जो पांडवों को जुए में बुला करके हरा दे? क्या ताकत थी दुशासन की जो द्रौपदी के चीर के हाथ लगा दे? क्या ताकत थी कि पांचों पांडवों को 13 साल का वनवास दे दे? क्या ताकत थी जो पांडवों को आज इतना त्रास इतना दुख दिया है? किसी की ताकत नहीं थी। चाहे भगवान भी आ जाता तो मैं पांडव छोटे भाइयों के लिए मैं भगवान से भी टकरा जाता, लेकिन अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं। तो अब मैं ये भेद छुपाना नहीं चाहती करण। ये भेद छुपाया तो ये सब कुछ हुआ, और आज तूने अगर इस भेद को खोला तो पांडवों के साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांडवों ने 13 साल की तपस्या की है। हाँ। जो डोल के मंजिल डोले आए जो डोल के मंजिल डोले आए वो तो डोले डोलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के केस जगत में माँ खुले खुलाए रह जाएंगे। खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या ओ मेरी भी माँ, तेरी भी क्या ओ मेरी भी माँ, इसमें मान भलाई सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा को कि करण तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा भाई है, तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाए। हाँ। वो उसका नाम धर्मराज है, वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान है। मैं जानता हूं उसको, मैं जानता हूं उसके दिल को, मैं जानता हूं उसके तप को। वो अगर युद्ध भी कर रहा होगा, तुमने जाकर के कहा कि करण तुम्हारा भाई है, तो वो चलते युद्ध को बंद कर देगा, और चलते युद्ध को बंद कर वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके वो मेरे पास आ जाएगा और मुझे अपना बड़ा भाई मान करके अपनी छाती से लगा ले। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? और वो मुझे अपना बड़ा भाई मान करके अपने सर से उतार करके ताज मेरे सर पर टेक देगा। अच्छी बात है। तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन वो अपने सर का ताज मेरे सर पर टेक देगा। हाँ। और मैं क्या करूंगा? क्या? मैं वो सर का ताज उतार करके अपने परम मित्र यार दुर्योधन के सर पर जाकर रख दूंगा। नहीं, यहां धर्म की हार और अधर्म की जीत हो जाएगी। उसको विश्वास भी नहीं होगा पांचों पांडवों को, और तुम विश्वास दिलाने के लिए कसमें दर में भी चाहे तुम्हें कितनी भी कसमें उठानी पड़े, लेकिन तुम उनको विश्वास दिला करके छोड़ोगे। और जब उनको विश्वास हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये भेद बात कहा खुल जाएगा ते, ये भेद बात कहा खुल जाएगा ते, नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल पे पता नहीं किस किस के पर्ण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे।
उसके घोट घोट जाके एक पूरा प्रण करने खातर मां पूरा प्रण करने खातर बैठे आस लगाई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई ने हो करण तुम्हारा भाई अच्छे बुरे के बारे में सब कुछ बता दिया हाँ। लाभ और हानि भी बता दिए हाँ। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस राज को राज रखो या जाकर के धर्म युधिष्ठिर के सामने खोलो। क्या इतना सुनने के बाद बावजूद भी तुम इस राज को धर्म युधिष्ठिर को बताओगी? नहीं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी तो सुनो क्या? इसका परिणाम इसका फल तुम्हें भी मिलेगा और पांचों पांडवों को भी मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि मेरा जीवन तो दुखों में गया, मैं तो दुखों में पैदा हुआ, दुखों में पला, दुखों में अब तक रहा, दुखों में जी रहा हूं और आज भी दुख में बोल रहा हूं। लेकिन कम से कम मैं नहीं चाहता कि मैं तो दुखों में जी रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि यहां से आगे मेरे छोटे भाई भी दुखों में जी, मेरी माँ दुखों में जिए। जाओ मैं एक भेद और खोल देता हूं तुम्हें। सजनों करण ने स्पष्टीकरण कर दिया था कुंती से कि आज युद्ध होगा। कभी तुम ये जानो कि ये भेद बता दिया, अब करण मान गया, अब युद्ध नहीं करेगा हाँ। ये युद्ध होगा और मैं युद्ध करूंगा और दुर्योधन का सेनापति बनकर के युद्ध करूंगा और पांचों पांडवों का सामना करूंगा और जितनी ताकत बची है उतनी ताकत मैं आज के युद्ध में लगाऊंगा। नहीं करण, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे आपस में लड़कर के मर जाएं। तुम्हारे दुनिया में क्या बेटे हैं? मेरे छह बेटे हैं। तुम्हारे छह बेटे हैं लेकिन सारा संसार तुम्हें पांच बेटों की माँ कहता है हाँ। लेकिन जाओ, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे पांच हैं तो पांच रहेंगे। वो कैसे? बेटे तो मेरे छह हैं। बेटे तो तेरे छह हैं हाँ। लेकिन वचन बरवा करके तुमने प्राण दान पांचों का मांगा था ना कि छहों का मांगा था, इसलिए पांच ही जिंदे रहेंगे। अगर छह जिंदे रह गए तो फिर मेरा दान झूठा हो जाएगा। इसलिए आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे इन बातों के सबके दिल में धरे ख्याल रह जाएंगे। करण अर्जुन के बाणों से ये धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे और करण मरे या अर्जुन मां तेरे पांच लाल रह जाएंगे, मां तेरे पांच लाल रह जाएंगे। कि है गुरु की सौगंध मुझे, मैं परण नहीं हारूंगा। वाह। कि है गुरु की सौगंध मुझे, मैं परण नहीं हारूंगा। धर्म भीम सहदेव नकुल पे मैं हाथ नहीं लारूंगा, या अर्जुन मुझको मारे या मैं अर्जुन को मारूंगा। मेरा युद्ध सिर्फ अर्जुन से होगा, या तो अर्जुन मुझे मार दे या मैं अर्जुन को मार दूं। अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो तेरे पांच यूं की हुई, अगर मैंने अगर अर्जुन को मार दिया तो मां तुम्हारी सौगंध उसी समय दुर्योधन का साथ छोड़ करके तुम्हारा पांचवा बेटा बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन ये समय बताएगा। हे दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सहके लूट बैठ जागा। तेरी इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लगन सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा। करवट ऊट बैठ जागा। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, हाथ जोड़ के अर्ज करूं, जमाने कुंती माई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए